नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन परसेंटेज की जो क्लास है उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज की जो ये क्लास है इसमें आज अपन टाइप नंबर 9, कितने नंबर टाइप करेंगे, टाइप नंबर जो 9 है वो करेंगे और उसके बाद टाइप नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप नंबर 9 के साथ। देखो, जो विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले बाकी के जितने भी वीडियो हैं जो क्लास नंबर 1 है अपने परसेंटेज की, वहां से लेकर के शुरू करें और इस लेवल तक आए, तब आपको क्या होगा ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थी, और बाकी परसेंटेज में आपके कोई कमी नहीं रहेगी, बढ़िया तरीके से आपका पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप शुरू से देखें। ठीक है, और जो विद्यार्थी कंटिन्यू है उनका वेलकम है और आगे देखते रहिए। देखिए विद्यार्थियों, एक व्यक्ति की जो सैलरी है उसको 50% बढ़ाया जाता है और बाद में 20% घटा दिया जाता है और उसके बाद में 10% और घटा दिया जाता है और अब सैलरी इतनी है। तो बताओ स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी। तो मैं एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग में जो सैलरी है शुरुआत में हमारी हर चीज 100 रहती है, तो ये आप चीज को मान के चलना है। तो स्टार्टिंग में मतलब जब काम शुरू हुआ तब अपनी सैलरी कितनी थी, 100 थी। ये आपको हरदम दिमाग में ध्यान। अब देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की सैलरी को 50% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब 150। ठीक है, बाद में 20% घटा दिया जाता है, मतलब 80। ठीक है ना, बाद में 80 हो गया। एक सेकेंड, ये देखो 80 और बोल रहा है उसके बाद में 10% और घटा दिया जाता है, 10% घटाया है मतलब 90। ऊपर जितनी बार संख्याएं आती है उससे एक कम बार नीचे क्या आता है, 100 आता है। जैसे ऊपर संख्याएं हैं 1, 2, 3 बार, तो नीचे 100 कितनी बार आएगा, 100 आएगा आपका 2 बार। तो 2, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। ठीक है, और 5 से काटो ये 3 बार और 5 से ये गया 2 बार, 2 से ये कटा 4 बार, तो ये पूरा कितना हो गया, 4 × 3 = 12 × 9 = 108। तो अब सैलरी कितनी हो गई, ये प्रेजेंट सैलरी वर्तमान में अब ये कितनी हो गई है, 108। मतलब कितनी बढ़ गई है, प्लस 8 हो गई है। 8 क्या है, सैलरी बढ़ चुकी है। तो अब देखो पर्सन कह रहा है, अपन बट्टा लगा के सोल्व करते हैं हर चीज को। पर्सन कह रहा है कि अब सैलरी 32,400 है। कितनी है सैलरी अब, 32,400, और 32,400 पर्सन बोल रहा है सैलरी है अभी वर्तमान में 32,400। तो जो दिया होता है वो ऊपर रखते हैं, जो अपने पास होता है वो नीचे रखते हैं। अपने अभी वर्तमान में सैलरी कितनी है, 108, तो यहां रखो 108। जो ज्ञात करना है उसको गुणा में रखो, ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात करना है कि बताइए स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 100 थी, तो यहां पर रख दो 100। तो 3 से ये 3 बार गया, 108 से 3 बार कट हो गया, तो कितना है आपका 30,000। तो स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 30,000 थी। तो इस प्रकार से अपने को ये चीजें ज्ञात करनी है, बहुत इजी टाइप है। एक ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन यहां पर। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाते हैं, तो पहले देखो 30% बढ़ाया मतलब 130, उसके बाद में जो चौड़ाई है उसको 10% घटाते हैं, 10% घटाया मतलब 90। तो ऊपर जितनी बार संख्याएं हैं उससे एक कम बार नीचे 100, तो ऊपर 2 बार संख्याएं हैं नीचे तो 100 एक बार आएगा, तो 1 0 से 0, तो 13 × 9 = 117। ठीक है ना, अब ये क्या बोल रहा है, तो एरिया 340 मीटर² अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, 340 मीटर अधिक हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में कितना एरिया था। तो देखिए शुरुआत में हर चीज 100 रहती है, शुरुआत में हर चीज क्या रहती है, 100 शुरुआत में रहती है आपके 100। और जो ये रिजल्ट आता है यहां पर ये होता है वर्तमान का, और ये बात है वर्तमान की। ठीक है, तो शुरू से लेकर वर्तमान तक कितनी वृद्धि हुई है, कि श्रीमान 17 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 17। अब अपन अपना काम करते, ये कहता है एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 10% घटाते हैं, तो एरिया 340 मीटर² अधिक हो जाता है। ध्यान रखना, बट्टे का चिन्ह लगाओ, पर्सन में कितना अधिक हो रहा है, 340 मीटर² अधिक हो रहा है।
जो पर्सन में दिया है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। जो हमारे पास है उसको कहां रखते हैं? कि बोले नीचे। तो देखो पर्सन में दे रखा है कि 340 मीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, और अपने कितना अधिक हो रहा है? अपने 17 अधिक हो रहा है। तो 17 लिख दो। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है? तो शुरुआत का एरिया बताइए, शुरुआत में कितना? 100, तो इंटू 100, 17 से कितनी बार? दो बार, तो ये कितना हो गया? 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये शुरुआत में एरिया था। देखो अब पर्सन में जैसे आपसे ये पूछ लेंगे तो बताइए अब एरिया कितना है, तो किससे गुणा करोगे? 117 से। ठीक है, जो ज्ञात करना होता है उससे गुणा करते हैं। नेक्स्ट, ये टाइप इतनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज बता देता हूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति की सैलरी को पहले 20% बढ़ाया जाता है तो 120, बाद में बोले अब बाद में 25% और बढ़ाया जाता है तो 125, बाद में बोले कि फिर 40% घटाया जाता है तो मतलब क्या है? 60। तो फिर पूछे कि बताइए उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो ऊपर संख्याएं कितनी है? 3, तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? एक कम बार। तो मतलब 3 संख्याएं हैं तो एक कम मतलब 2 बार 100 आएगा, तो 2 बार क्या है आपका? 100। कट कर लो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 से ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, 5 से 15, 15 6 90। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 90 हो गई है। शुरुआत में सैलरी कितनी रहती है? शुरुआत में तो बोले कि सर शुरुआत में तो हर चीज ही 100 रहती है। ठीक है, हर चीज क्या रहती है? 100 रहती है। तो अब 90 हो गई है, शुरुआत में कितनी थी? 100। तो इसका मतलब 10% सैलरी है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है लाडलो, कम हो चुकी है। अब देखो ये देख लो, एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 10% कम किया जाता है, फिर 10% और कम किया जाता है, पूछ रहा है बताइए उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा। ऊपर संख्याएं 2 बार है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? 1 बार, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 81। तो शुरुआत में सैलरी कितनी होती है? तो शुरुआत में तो हर चीज 100 होती है, और अब सैलरी कितनी हो गई? 81 हो गई। तो बोले सर 19% जो सैलरी है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। वैसा ही यहां पर करो, शुरुआत में सैलरी आपके 20% क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, मतलब 120, फिर 20% और बढ़ाई जाती है, ऊपर संख्याएं 2 बार है तो नीचे 100 एक बार होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, बारंबार 144। तो अभी सैलरी 144 से, शुरुआत में बोले शुरुआत में तो हर चीज 100 होती है, तो बताइए सैलरी कितनी बढ़ गई? कि सर सैलरी तो 44% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 44% बढ़ गई, 44%। और देखिए यदि पहले सैलरी को 20% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए तो बताइए, सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोले 100 से कितनी ज्यादा है? कि 8 ज्यादा है, तो 8% सैलरी है वो आपकी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये टाइप कंप्लीट हो गई। अब अपनी है टाइप नंबर 10। मेरी कोशिश है कि आसान से आसान शब्दों में आपको प्रतिशत वाला टॉपिक कवर करवा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। मतलब यहां लिखता हूं मैं बॉयज और इधर मैं लिखता हूं गर्ल्स, तो लिखते वक्त ध्यान रखना यदि बॉयज पहले है तो पहला रेशियो बॉयज का है और गर्ल्स बाद में तो दूसरा गर्ल्स का है, तो ये कितना हो गया? 3:2 है। यदि बॉयज की संख्या का 60% पास हुए और गर्ल्स की संख्या का 90% पास हुए तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। आप एक काम किया करो, हमेशा रेशियो कुछ कॉमन संख्याओं को कटने के बाद आता है। अब ये कंसेप्ट यदि कोई विद्यार्थी का मैथ्स लूज है उसको नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम किया करो इस संख्या को हमेशा किससे कर लो? 100 से गुणा। तो यदि आप इसको 100 से गुणा करते हो तो ये बन जाता है 300 और ये कितना बन जाएगा? 200। अब सीधा सीधा आंकड़ा आपके पास है, लड़के कितने हैं? 300, लड़कियां कितनी हैं? 200। मानने में आ रहा है? अब देखो बॉयज की संख्या का 60% पास हुए, बॉयज है इनकी टोटल संख्या का 60% पास हुए, तो 300 का 60% निकाल के देख लिया करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। 60% मतलब का मतलब गुणा 60%, और परसेंटेज का चिन्ह हटा तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा सर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 3 18, 180। मतलब 180 तो लड़के पास हुए,
और आगे बोल रहा है गर्ल्स की संख्या का 90% पास हुई, गर्ल्स थी 200 तो 200 का 90%, 200 का मतलब गुणा 90%, प्रतिशत अट्ठा तो बट्टे में 100, तो 20 से 20 9 2 18 मतलब 180, तो मतलब बॉयज की संख्या का 60% अर्थात 180 लड़के पास हुए और 180 लड़कियां पास हुई, तो मुझे बताओ टोटल कितने विद्यार्थी पास हो गए। विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, तो मतलब टोटल 360 पास हो गए। अब ये बोल रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है क्या करते हैं, सबसे नीचे आएगा टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने 300 प्लस 200 500 भाई टोटल विद्यार्थी, तो कुल हमेशा नीचे लिखते हैं। अब किसका परसेंटेज निकालना है, जो पास हुए, तो कुल कितने पास हुए कि सर कुल तो 360 पास हुए, तो 360 और जो परसेंटेज निकालना हो तो गुणा में 100, 20 से 20 36, 360 में 5 का भाग कितने बार 7 5 35 72% विद्यार्थी पास हुए। ध्यान रखना कुल हमेशा नीचे आता है, जिसका परसेंटेज निकालना है उनकी संख्या ऊपर और गुणा 100, तो हमको निकालना किनका प्रतिशत था टोटल पास विद्यार्थी, तो टोटल पास विद्यार्थी मतलब टोटल पास लड़के और टोटल पास लड़कियों का योग, क्योंकि विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बॉयज वे गर्ल्स का रेशियो 5:4 है, बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो कितना है 5:4 है। अब मैंने बताया था इनको 100 से क्या कर लो आप गुणा कर लो, तो क्या हो गया 500 और 400 हो गए। अब देखो अब बहुत बढ़िया हो गया, 500 लड़के 400 लड़कियां, ठीक है। बॉयज का 40% पास होता है, मतलब 500 का 40% विद्यार्थी पास होंगे, तो 500 का 40%, तो प्रतिशत का चिन्ह आएगा हटाएंगे तो बट्टे में 100, 20 से 20 तो 50 × 40 5 × 40 कितना हो गया 200, मतलब 200 लड़के पास हुए। और बोल रहा है वे 20% लड़कियां पास हुई, सॉरी गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली, 20% लड़कियां, तो 400 लड़कियां है टोटल और 400 का 20%, तो 20/100 20 से 20 मतलब 80 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। तो ये कह रहा है तो बताइए कुल कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली, तो देखो 200 लड़कों को मिली 80 लड़कियों को मिली, तो टोटल कितने लड़के और लड़कियों अर्थात विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली कि भाई 280 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली। अब हमको तो निकालना परसेंटेज, तो देखो बट्टा का चिन्ह नीचे आता है टोटल, तो टोटल विद्यार्थी कितने 500 लड़के 400 लड़कियां, टोटल 900 विद्यार्थी है जिनका परसेंटेज निकालना है उनको ऊपर, परसेंटेज किनका निकालना है जितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली है, तो 200 और प्लस 80 280 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली है और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, तो 20 से 20 गए, तो 280/9 आप निकाल लेना, समथिंग पॉइंट्स में आएगी तो आप उसको देख लेना कि कितने आ रही है, ठीक है ना। तो 9 है जैसे 27 और आगे मान लो 9 है 27 हो गया, नीचे 1031 पॉइंट आगे समथिंग निकलेगा प्रतिशत, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हो। इसी वीडियो के साथ अपने जो टोटल जो कितनी टाइप है, ये टाइप नंबर 10 थी, देखो यहां पर लिखा हुआ ये रहा टाइप नंबर 10, तो 10 टाइप हमने कंप्लीट कर ली, 2-3 टाइप और करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में एक पूरा बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके परसेंटेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रखेंगे, जिसमें विभिन्न भर्तियों में परसेंटेज से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं कि जो ये वीडियो है वो आपके परसेंटेज की दुनिया में मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।